एक लंबे इंतजार के बाद आखिर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतर ही गया। लंबे इंतजार के बाद पूर्व सांसद नवीन जिंदल के मैदान में उतरने या न उतरने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेसी पार्टी ने देर रात पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। निर्मल सिंह आज कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वह अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले का अधिकांश हिस्सा आज डार्क जोन में है, यह उनकी कर्म भूमि कुरुक्षेत्र रही है। निर्मल सिंह ने कहा कि 23 अप्रैल को वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उस प्रक्रिया में कांग्रेस के सभी दिग्गज शरीक होंगे। K9 मीडिया के लिए कुरुक्षेत्र से भारत सबरी की रिपोर्ट। देखिए जी, मुद्दे तो यहाँ बहुत पुराने हैं, वो बदले नहीं हैं। जैसे मैंने बताया कि ये डार्क जोन में है, वाटर लेवल की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की है, दरखेज इलाका है, यहाँ किसान हैं, यहाँ और किसानों के बहुत से मुद्दे हैं, गरीब आदमी के हैं बहुत से हैं मुद्दे। तो हम तो अपने मैनिफेस्टो की बात करेंगे। जो हमारे लीडर ने मैनिफेस्टो दिया है कि वो ट्रू है, वो झूठ नहीं है, इनका मैनिफेस्टो झूठा था। एक बाहरी उम्मीदवार का जो लगाया जा रहा आपके ऊपर भी, मैं बाहरी कैसे हुआ है? लोग कह रहे हैं, जिस तरह कौन कह रहे हैं, मैं तो मोड़े का हूँ, मोड़ी कहाँ है जी, बाहरी कैसे हो सकता हूँ? मेरी कर्म भूमि है, मैं बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं यहाँ, हिसाब चुकाओ हिसाब लगाओ, आपके सामने तो हुआ था, इतने बड़े इकट्ठे हरियाणा में नहीं कभी हुए, मैं बाहरी नहीं हो सकता। ये तो बात गलत है कि मुझे बाहरी थे, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ जी, हमारा मुकाबला किसी से भी कल दायर करेंगे। हुड्डा साहब आएंगे, नवीन आएंगे, रणदीप सुरजेवाला आएंगे, तीनों ने तो कन्फर्म कर दिया। अशोक तंवर जी बताएंगे क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और शैलजा कुमारी खुद चुनाव लड़ रही हैं। आप जो कांग्रेस बिखराव की तरफ है, अलग अलग चल रही है, उनको इकट्ठा करेंगे? हाँ, हम कोई बिखराव नहीं है, हम सब इकट्ठे होकर मिल रहे हैं। वहाँ शैलजा लड़ रही है, यहाँ मैं लड़ रहा हूँ, आगे कुलदीप शर्मा लड़ रहे हैं, चौ साहब लड़ रहे हैं, भूपिंदर लड़ रहा है, सुरती लड़ रहा है, वी आर ऑल टूगेदर। हमारे प्रधान खुद लड़ रहे हैं। क्षेत्र में बीते 4 सालों से संगठन नहीं बना, पार्टी के संगठन में अव्यवस्था है, तो ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए क्या रणनीति है? लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, आज देखा नहीं आपने, सुबह ही मैंने इनको बताया कितनी संख्या में आए और जोश में है सब।